था ये शावेरी मार्केट जो है काफ़ी छोटी होगी लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। मैं उस साइड से आई थी, वहाँ एक लेन, दूसरी लेन, सामने दो लेन ऑलरेडी है और अब मैं ये जो एंट्री कर रही हूँ ये एक और पांचवी लेन है। तो काफ़ी सारी शॉप है, मतलब इनफ शॉप है यहाँ पे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नोएडा में काफ़ी सारे लोग रेंट पर रहते हैं और रेंट पर रहने वाले लोग अक्सर महंगा फर्नीचर प्रेफर नहीं करते। ऐसे में आप आ सकते हैं शावेरी मार्केट की इस गली में जो डेडिकेटेड है पुराने फर्नीचर के लिए। जी हाँ, यहाँ इस गली में पुराना फर्नीचर खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है। इस गली में पुराने फर्नीचर की मरम्मत कर दी जाती है, उसमें डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है और उसको नए से काफ़ी कम दामों पे बेच दिया जाता है। यदि आपका बजट टाइट है और आप सस्ता लेकिन अच्छा पुराना फर्नीचर देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस गली में आकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी है एस ए ट्रेडर्स की, जो पुराने फर्नीचर को डेंटिंग पेंटिंग करके बेचते हैं। जैसे कि यहाँ पे रखे हुए सोफ़े, ये सभी सोफ़े पुराने हैं जिन पे पेंट वगैरह और कपड़ा लगाकर इन्हें नया कर दिया गया है और अब ये इनको यहाँ पे सेल आउट। भैया ये वाला सागवान की लकड़ी का बना हुआ है, भैया इसका दाम क्या है? 5 सीटर सोफ़े का 8,000 रुपये। 8,000 रुपये, अच्छा। और वारंटी है कुछ? वारंटी गारंटी हमारी खुद की होती है, अगर कोई कमी आ जाए हम खुद चले जाते हैं करने के लिए। अच्छा ठीक है। और बाकी अलग अलग नहीं होता, पुरानी लकड़ी है, सब पुराना सामान है, ये सब मतलब अच्छा करके ही देते हैं हम, बढ़िया करके मजबूत। अच्छा, बना के। और वो वाला सोफ़ा? ये वाला सोफ़ा भी इतने का ही है, 8,000। हाँ ये थोड़ा डिज़ाइन अलग है ना, नए डिज़ाइन के लिए थोड़ा महंगा। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये बड़ा रॉयल सा लुक दे रहा है ना ये वाला। हाँ ये वाला ये 14,500, 14,500 का। ये सेवन वो सीटर। अच्छा, और ये कितने की है कॉट? 3,000 रुपये की। और एक गद्दी वद्दी साथ में, ये आपको यहाँ बेबी की कॉट मिल जाएगी विद मैट्रेस, विद ये जो सजाया हुआ है, सब 3,000 रुपये में। एक शॉप मुझे मिली है एसके ट्रेडर्स, और मुझे तो लग रहा है इस गली का नाम कुछ ऐसा OLX टाइप नाम होना चाहिए इसका, सेकंड हैंड फर्नीचर। तो यहाँ पे ये डेकोर आइटम्स जो हैं बेचते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा अच्छा डेकोर आइटम मिल रहा है। भैया ये कितने का है? 800 रुपये का है। ये ऐसे ही दोगे कि पेंट वेंट करके दोगे? अच्छा, 1,000 रुपये का है, 500 रुपये का है। ये आप इसे एज अ लाइट होल्डर ना, लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पौधों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपना प्लांट वगैरह रख सकते हैं इसमें टांगने का है। घास भी लगती है इसमें। घास स्टैंड कितने के हैं भाई साहब? 300 रुपये का है। और ये कितने का है? ये पड़ेगा आपको क्या कहते हैं 1200। 1200 रुपये का। और ये काफ़ी हैवी है गाइस। हाँ ये छोटा वाला, उससे पीछे वाला, ये 2500 का या 3500 का है? अच्छा, ये 4500 का है। अच्छा, ये 55। और इस पे जो है ये कांच का वर्क है ना? हाँ, ये नक्काशी हुई है। अच्छा, ये 250 रुपये का पीस है। 250 रुपये का पीस है, कांच के लग रहे हैं। वाओ, ये कितने का है? ये 1500 रुपये प्राइस है इसका, और सब हमें डेंटिंग पेंटिंग सब हमें करानी पड़ेगी और काफ़ी हैवी है ये। लीजिए, तो 1500 रुपये, आई थिंक 1500 रुपये का ये होगा और इसमें पेंट आप करवा दीजिए, कितना होगा? 2,000 रुपये में आपका ये बढ़िया शो पीस तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स में देखे होंगे इस तरह के जो है लाइट हैंगर्स। वाओ भैया, कितने का है ये? 1,000 रुपये का है ये, एक पीस है। और पीछे दिखाओ, टांगने का कुछ है इसमें? नहीं, टांगने का ये फ्रूट रखने वाला है। अच्छा, फ्रूट बास्केट है ये, 300 रुपये का, लेकिन आगे का नहीं है इसका हिस्सा। ये फ्रेश पीस है, ये वाला दे देंगे। अच्छा, डिज़ाइन अलग नहीं हो जाएगा? 300 रुपये का ये चलता है इंडिया के अंदर। अच्छा, ये प्लेट कितने की है? ये वुडन प्लेट 300 रुपये की, और काफ़ी हैवी है यार।
यहाँ पे मतलब आपको छांटना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे काफ़ी अच्छे एंटीक्स और डेकोर पीसेज आपको मिल जाएंगे और बहुत ही कम प्राइस में। अगर मैं बोलूँ, अगर आप किसी होम डेकोर या किसी बड़े शोरूम से खरीदते हैं तो उससे 90% कम दामों पे यहाँ पे मिल जाएगा। शाबेरी मार्केट एक बड़ी ही मज़ेदार मार्केट मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो नया आइटम भी मिल जाएंगे सारे, और पौधों की भी काफ़ी सारी यहाँ पे यू नर्सरीज हैं, और यहाँ पे आपको पुराना फर्नीचर की भी गली है, जो मैंने अभी आपको गली दिखाई उसमें पुराना फर्नीचर मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही शाबेरी मार्केट को एक्सप्लोर करते करते मुझे मिली एक मार्बल के मंदिर की दुकान, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखाया जाए। मार्बल आर्ट में ये एक शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के लिए नए घर में मंदिर बनाना, सुंदर सा मंदिर होना हम लोगों का एक ड्रीम होता है, और आप यहाँ पे अगर नया घर ले रहे हैं तो यहाँ इस शॉप पे आ सकते हैं, और काफ़ी वैरायटी के मंदिर हैं यहाँ पे। हाँ भैया, तो ये बता दो छोटे से बड़े तक बता दो। ये 4500 रुपये का भैया, क्या मटेरियल है? मार्बल? ये मार्बल है। मार्बल है, ये पेंटिंग है। अच्छा, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है। अच्छा, ये मार्बल। अच्छा, और ये अलग है नीचे वाला ना। इसके ऊपर आप ऐसे ही मंदिर जैसा लगा दोगे ना, ठीक है। और ये आई थिंक अप्रोप्रिएट साइज़ है एक घर में, नॉर्मल लोग ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं। हाँ, ये कितने का है इसका? ये 8500 का है। इसमें नीचे एक दराज़ है, वो भी मार्बल का ही बना है, और इसमें काफ़ी स्पेस है, आप यूज़ कर सकते हैं अपना मंदिर की सामग्री रखने में। ये देखो बताओ, हाँ ये देखिए एक बहुत बड़ा है, और यू 1,35,000 का ये वाला जो था 8,500 का था, और ये 1,35,000 का है। अब डिफरेंस देखिए आप, इसमें क्या बढ़िया नक्काशी हुई है, पूरी की पूरी जो मंदिर में बहुत खूबसूरत नक्काशी हुई। भैया, इसके ऊपर भी आप ऐसा मंदिर जैसा लुक दोगे कि ऐसे ही रखोगे? अच्छा, इसके ऊपर जो है ये लगेगा, इस मंदिर के ऊपर ये लगेगा। अच्छा, अगर कोई आपको बताता है कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए तो आप बना देते हो? रेट थोड़े। अच्छा, ये भी देखिए, इसका प्राइस क्या है भैया? ये इसका 26,000 रुपये। 26,000 रुपये? हाँ जी। अच्छा, इस तरह के का अच्छा, हाँ ये थोड़ा चमकदार लग रहा है। इसका दाम क्या है? ये 35,000 रुपये का। 35,000 रुपये का? भैया ऐसा क्या है इसमें? पत्थर अलग है। हाँ, वैसे पत्थर लग तो रहा है एकदम सॉफ्ट सा चिकना सा। उसमें लग रहा है ना आगरे की ताज महल। हाँ हाँ। अच्छा, और कुछ गारंटी वारंटी भी होती है कि टूट गया, चटक गया, कोई दिक्कत हो गई? गारंटी, पत्थर की गारंटी। अच्छा, और अगर किसी को मंगाना आप छोड़ के आते हो या फिर वो अपने आप ले जाते हैं? आप छोड़ के आते हो वहीं पे? अच्छा, ये तो मतलब ऐसा है कि एक बार ले लिया तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा ये। दोस्तों, मार्बल के मंदिर के रेट पता करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मैंने आगे काफ़ी सारे डिज़ाइनर झूलों की दुकानें देखी, तो मैंने सोचा ये आजकल काफ़ी इन है, तो चलिए पता किया जाए कि इनका क्या प्राइस है यहाँ पे। 7,000 और विद गद्दी? विद गद्दी मिले हैं जो बोल रहे हैं, इसका दाम है 7,500 ना? 7,000 विद गद्दी। विद गद्दी कुछ गारंटी वारंटी भी है टूट टाट गया तो? अच्छा भैया, तो देखिए मैं इस पर बैठ गई हूँ, मैं काफ़ी मोटी हूँ, और इसने अगर मेरा वज़न झेल लिया तो आई एम श्योर आपका वज़न भी झेल ही सकता है। और 7,500 का बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से कम करके 5,500-6,000 तक तो दे ही देंगे, तो देखते हैं, बात करती हूँ, एक बार अगर दे देंगे तो वेल एंड गुड है। तो दोस्तों, भैया ने इसका लास्ट दाम बताया 6,500 रुपये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे जाके और एक्सप्लोर करूं, शायद रेट कम मिल जाए। और इसके जस्ट बगल में एक और इंटरेस्टिंग शॉप थी, इसके वॉल पेंटिंग, इसमें अलग अलग डिज़ाइन है। तो ये झूले के जस्ट बगल में एक शॉप है भैया की, क्या नाम है भैया आपकी शॉप का? मेरा यूनिक कारपेट, यूनिक कारपेट करके शॉप है। यहाँ पे आपको कारपेट, इस तरह की पेंटिंग्स, डोर मैट सब मिल जाएंगे। भैया 800 रुपये का है ये, 450 के, भैया सही बताओ? 450। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड पेंटिंग पे बार्गेन करने की कोशिश करी, लेकिन उनको मेरे प्राइस समझ नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। तो फिर क्या था, मैं निकल पड़ी आगे और मार्केट को एक्सप्लोर करने।
बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा जो क्वालिटी बहुत अच्छी है। भैया कितने का है अंकल ये? 1800 रुपये का। और ये वाला? ये वाला 1300। और ये 2500 रुपये। ये 2500 रुपये का है हेक्सागन डिज़ाइन में। ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा है, यूनिक सा ये शावेरी श्री बालाजी शावेरी एनकेल क्लेव के जस्ट बगल में। यहाँ पे मुझे ये इस टाइप का झूला मुझे चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत। भैया इस टाइप का झूला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, मजबूत है ये, देखिए पूरी बजाय इसके। भैया कितने का है? मैं 7000 का। ये पूरा मतलब? हाँ पूरा कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट तो मिलेगा, डिज़ाइन चेंज मिलेगा, कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो कलर आप जो सा खोजोगे मिल जाएगा विद कुशन। हाँ कुशन भी आपको खोजोगे मिल जाएगा। अच्छा, और ये वाला डिज़ाइन? ये वाला आपको 8500 पड़ेगा। 8500 जी। ये कितना बोला था आपने? 7000 का। अच्छा, इसमें यार इसमें फ़र्क क्यों है? क्योंकि इसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है ना, डिज़ाइन बनाने में थोड़ा पैसे ज़्यादा लगते हैं इसी ऊपर। अच्छा, और ये बड़ा वाला? बड़ा वाला आपको 12500। 12000 का। इसका प्राइस सही बताओ मैम। आप 200 रुपये पर दे। 5000 नहीं, 5000 इसमें तो आपको लागत लागत है 6200। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से वेल्डिंग करी हुई है। वेल्ड मैं तो दूसरा दे दूँगा आपको, पेंट सेंट करके देंगे ना, ये वाला थोड़ी ना देंगे आपको। वो तो ठीक है, लेकिन ये मतलब टूटेगा तो? 2 साल को वारंटी देंगे, 2 साल के भीतर में कुछ भी हो रहा है तो आपको फ्री में रिपेयरिंग हो जाएगा। फ्री में रिपेयरिंग हो जाएगा। अपना नंबर दे दो ज़रा, कार्ड दे दो। गाइज आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जो प्राइस दुकानदार बोलते हैं उस पर कभी विश्वास ना करें। आप अपने इंस्टेंट से जाइए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बारगेन करने की। दोस्तों मुझे लगा था कि शावेरी मार्केट कुछ चंद गलियों में ही सिमटी हुई है, लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत निकला और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। आप देख सकते हैं मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और दुकानें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और यहाँ पे तो एक दुकान मुझे मिली है रिहान फर्नीचर, यहाँ पे EMI फैसिलिटी भी है, पेटीएम से भी आप पे कर सकते हैं, कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं और मटेरियल भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिलता है। मैंने रिहान फर्नीचर शॉप के जो भी यहाँ काम करते थे उनसे बात करने की कोशिश करी कि मुझे वीडियो बनाने दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मे भी वो चाहते हों कि उनके जो डिज़ाइन है वो चोरियों के सबको ना पता चल जाए। तो बस गाइज इतना ही मैं कवर कर पाई शावेरी फर्नीचर मार्केट। और ये सेकेंड वीडियो जो थी वो डेकोर आइटम और झूले वगैरह इस पर ज़्यादा बेस्ड थी, आई नो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आजकल ये चीज़ें भी घर का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गई हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि शावेरी मार्केट में क्या क्या फर्नीचर किस किस दाम पर मिलता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जो लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं और फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, आई थिंक उनको एक बार शावेरी मार्केट आना तो बनता है। एंड गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जिनको फर्नीचर खरीदना है उनको हेल्प मिल सके। एंड आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए। बाय।